हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे वी विल डिस्कस क्लास नाइन्थ हिस्ट्री चैप्टर नंबर वन द फ्रेंच रेवोल्यूशन द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ पीपल वेयर जो पॉलिटिक्स है क्या वो कपड़े भी चेंज कर सकती है लोगों के लैंग्वेज भी चेंज कर सकती है बुक्स भी चेंज कर सकती है जो वो रीड करते हैं द ईयर फॉलिंग सेवनटीन हंड्रेड एटी नाइन तो ये जो ईयर था उसके बाद का फ्रांस और सच चेंजेस इन द लाइफ एंड चिल्ड्रन तो उन्होंने बहुत से चेंजेस देखे मैन के वुमेन के और चिल्ड्रन की लाइफ में द रेवल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन दिल्व टू पास लॉ दैट वुड अ ट्रांसलेट द आइडल्स ऑफ द लिबर्टी एंड एक वन प्रैक्टिस ठीक है तो ये लिबर्टी है ये और इक्वलिटी है ये सभी सब इसको प्रैक्टिस कर रहे थे ठीक है वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इन टू इफेक्ट सोन आफ्टर द स्टॉमिंग ऑफ द बेसाइल इन द समर सेवनटीन हंड्रेड एटी नाइन वॉज अबॉलिशमेंट अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप सेंसरशिप का मतलब पता क्या होता है पहले क्या होता गवर्नमेंट का, का, का कंट्रोल होता था जो प्रिंटिंग प्रेस होती थी तो अब भाई ये जब सेवनटीन हंड्रेड एटी नाइन के बाद जो प्रेस है उसके ऊपर सेंसरशिप हटा लिया गया था अबॉलिश कर दिया गया था फ्रीली आप कुछ भी लिख सकते हो इन द ओल्ड रिजाइम ऑल द रिटर्न मेटीरियल एंड कल्चर एक्टिविटीज बुक्स न्यूज पेपर प्लेज ऑनली आफ्टर दे हैड बिन अप्रूव्ड बाई सेंसर ऑफ द किंग तो पहले क्या होता था अगर किंग अप्रूव देता है सेंसर सेंसर करता है तो बुक्स को कोई भी न्यूज़पेपर को प्ले को तभी वो परफॉर्म होता था नाउ द डलरेशन ऑफ द राइट The man, man and citizen proclaimed freedom to speech. इसमें क्या है भाई हमें राइट दे दिया गया था इनको फ्रांस वालों को कि आपको फ्रीडम है स्पीच की एक्सप्रेस करने की नेचुरल राइट right है ये आपका न्यूज़पेपर है पैम्फलेट है बुक्स है प्रिंटिंग पिक्चर्स हैं तो ये भी ये फ्लडेड फ्लड की तरह टाउन्स में फ्रांस में हो रहे थे एवरी तो एवरी वियर दे ट्रेवल रेपिडली इन टू द कंट्री साइड तो ये कंट्री साइड तक भी पहुँच जाती हैं दे ऑल आर डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस तो इसमें बुक्स में न्यूज़ पेपर में डिस्कस किया जाता था क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं फ्रांस में फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मैंट दैट ऑपरेशन व्यू ऑफ़ द इवेंट कुड भी एक्सप्रेस तो ये जो फ्रीडम की तरह अगर फ्रीडम मिली है तभी हो रहा है तभी वो एक्सप्रेस कर पा रही है एक साइड सॉ टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स

तो ये ना पहले क्या था जो आइडियाज हैं ना जैसे कि बड़े बड़े जो फिलोसफर हैं उनके जो आइडियाज हैं पॉलिटिकल फिलोसफर हैं उनके जो आइडिया हैं पहले एजुकेटेड लोगों की तरफ पास होते थे वही रीड कर सकते थे है ना ऐसा भी होता था तो ये देख सकते हो ये पैट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस है ये फैट रिड्यूसिंग प्रेस है ये दिस एनानिमस प्रिंट इज सेवनटीन सिक्स टू मेक द आइडिया ऑफ जस्टिस टें ओके दिस दिस यू कैन सी द पिक्चर देन फिगर सिक्सटीन द पीपल दिस इज अ पेंटिंग बाय अलुस लियो लियो पार्ड बॉयले ये देख सकते हो आप पिक्चर यहाँ पे ये देखो एड्रेस कर रहे हैं है ना तो ये क्या है रिकॉल वट यू हैव अ लर्न अबाउट अ मैरिट इन दिस चैप्टर मैरिट के बारे में आपने क्या पढ़ा है डिस्क्राइब द स्क्रीन हिम अराउंड देखो अराउंड क्या स्क्रीन हो रहा है है ना सीन हो रहा है स्क्रीन या सीन है है ना अकाउंट फॉर हिज ग्रेट पॉपुलरिटी बहुत पॉपुलर थे वट काइंड ऑफ रिएक्शन वुड अ पेंटिंग लाइक दिस प्रोड्यूस अमंग द व्यूअर और देखो कैसे खुश हो रहे हैं ये देखो टॉप अपनी जो कैप है उसको हैट को कैसे ऊपर फहरा रहे हैं है ना आगे है कंक्लूजन आ गया भाई चैप्टर के बोल हिंदी चैप्टर तक कंक्लूजन पे आते हैं इन एटीन जीरो फोर नपोलियन बोनापारिक क्राउंड हिमसेल्फ एम्प्रर ऑफ फ्रांस तो नपोलियन बोनापारीरो फोर में ये अपने आप को एम्प्रायर बताते हैं फ्रांस का ही सेट डाउन टू कंकर नेबरिंग यूरोपियन कंट्री तो उन्होंने जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनको कंकर करना शुरू कर दिया डिस डायनेस्टी एंड क्रिएटिंग अ किंगडम तो किंगडम बड़ा बना लिया वेयर ही प्लेसड अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली तो और जिस जहाँ पे ये अपनी फैमिली के मेम्बर्स को प्लेस करते थे नेपोलियन सा हीज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ एम्प्रायर वो अपने आप को ना एक मॉडर्न तरीके का एम्प्रायर मानता था ठीक है सॉरी यूरोप uh, को मॉडर्नाइज करना चाहता था है ना और ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज बहुत से लॉज इंट्रोड्यूस किए गए जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म सिस्टम यूनिफॉर्म सिस्टम किया था वेट एंड मेजर प्रोवाइडेड बाई द डेशियल सिस्टम इनिशली मैनिस नेपोलियन एज अ लिबरेटर तो शुरू शुरू में ना सभी उनको लिबरेटर मानते थे हु वुड ब्रिंक तो जो समझते थे ये फ्रीडम ले कर आएगा सभी लोगों के लिए फ्रीडम ले कर आने वाला है ये तो बट्सून द नेपोलियन आर्मी केम्स टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन वेडिंग फोर्स तो फिर भाई बाद में हुआ क्या तो ये इसकी जो आर्मी है वो इन वेडिंग फोर्स बन गई कब्जा करने लगी भाई सब किते है ना सब जहाँ पे फाइनली डिफीटेड एट तो मगर एटीन हंड्रेड फिफ्टीन में क्या है जी ये मैंने पहले ही बताया था ना इंपॉर्टेंट डेट्स में डिस्कस किया था एटीन जीरो फोर से लेकर लगभग ग्यारह साल तक ये एम्पर रहते हैं फ्रांस के मैनी ऑफ इज मेजर दैट कैरीड द रेवल्यूशनरी आइडिया ऑफ द लिबर्टी मॉडर्न लॉज टू द अदर पार्ट ऑफ यूरोप तो ये जो इन्होंने लिबर्टी और मॉडर्न लॉज इंट्रोड्यूस किए थे इनको आगे आगे भी यूरोप के पार्ट्स में इसको कैरीड किया गया और इम्पैक्ट है प, लोगों के ऊपर बहुत लंबे समय

तो वेयर फ्यूडल सिस्टम वाज एबॉलिश तो फ्यूडल सिस्टम इसको अबॉलिश कर दिया जाता है कलोनियल पीपल्स रीवर्कड द आइडिया ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज इन टू देयर मोवमेंट टू क्रिएट अजन नेशन स्टेट जो टिपुल सुल्तान है राम मोहन रॉय है ये भी एग्जाम्पल है आइडिया कमिंग फ्राम अर रेवोल्यूशनरी फॉर्म जिन्होंने ये जो आइडिया अपनाया था लिबर्टी का फ्रेटिनिटी का है ना फ्रीडम का ये वाला ये नेपोलियन है ये क्रॉसिंग द एल्वस पेंटिंग बाय डेविड एल्वस को ये क्रॉस कर गए थे ये बॉक्स में देख लेते हैं क्या है राजा राम मोहन रॉय वाज वन ऑफ द दोज हु वाज इंस्पायर्ड बाय द न्यू लॉ दैट वाज स्प्रेडिंग थ्रू यूरोप एट द टाइम राजा राम मोहन रॉय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे ये रेवोल्यूशनर uh, रहे हैं इंडिया के हैं और बहुत ये इं, इंस्पायर हुए थे ये जो यूरोप के जो आइडियाज़ हैं उनसे फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके बाद जो जुलाई रेवोल्यूशन हुई थी वो एक्साइटेड हिज हिज इमेजिनेशन उसकी इमेजिनेशन बहुत एक्साइटेड हो गई थी ही कुड थिंक वो थिंक कर रहा था सोच रहा था और टॉक टू नथिंग एल्स वो किसी से बात नहीं कर रहा था वेन ही इज़ दीयड ऑफ द जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस एटीन तो फिर भाई वो सोचता है क्या क्या हो रहा होगा ऑन हिज़ वे टू england at a cape town he insisted on a visiting frigators flying the revolutionary tricolor flags through so he had been temporarily lamed by an accident okay ho gaya hai, chapter complete i hope so much thank you god bless you